जिला ताजबाग परिसर में अवैध धंधे और गुंडागर्दी करने वालों की शिकायत मिलते ही नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इन्होंने अधिकारियों की एक टीम बनाकर गुंडों पर अंकुश लगाने के लिए आरंभ कर दिया है। ऐसी जानकारी सक्करदरा के PI धनंजय पाटिल इन्होंने दी। बड़ा ताजबाग परिसर में पिछले कुछ समय से चल रहे तनातनी के माहौल और मिल रही शिकायतों के मद्देनजर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मोहल्ला मीटिंग का आयोजन किया। इसमें परिसर के चर्चित अपराधी आपू और फिरोज खान और उसकी गैंग के खिलाफ जन आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने खुलकर आपू और उसकी गैंग की दादागिरी बयान की। CP अमितेश कुमार ने नागरिकों को सुरक्षा भरोसा दिलाया और कहा कि यदि अब भी वह नहीं सुधरा तो उसकी 7 पीढ़ियां पुलिस की कार्रवाई याद रखेगी। इस बैठक में कुछ शिकायतें ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी और कुछ अतिक्रमण से, लेकिन ज्यादातर लोगों ने परिसर में चल रहे अवैध धंधों की शिकायत की। कुछ लोगों ने खुलकर आबू और उसकी गैंग द्वारा चलाई जा रही आपराधिक गतिविधियों की जानकारी दी। आबू के संरक्षण में परिसर में MD गांजा गौहत्या सहित धंधे चलने की जानकारी दी। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार अपने तमाम अधिकारियों के साथ दोषियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए टीम भी बनाई गई है। शहर में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को रोकने के लिए पुलिस कामकाज कर रही है, तो वही आज भी कई ऐसे परिसर है जहां पर पुलिस थाना होने के बावजूद धड़ल्ले से अवैध काम चल रहे है। इस और पुलिस प्रशासन ध्यान दे तो यकीनन अंकुश लगाया जा सकता है। बड़ा ताजबाग मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। क्राइम ब्रांच ऐसी शिकायतकर्ताओं को पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। कार्रवाई शुरू हो गई है इसके पहले भी और अभी तो जोर से ज्यादा स्पीड से आ जाएंगी हो जाएंगी कार्रवाई और इसमें गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। वो तपास में है, सब चीजें हम नहीं बता सकते। लोगों को हमने आश्वस्त कर दिया है, हमारे सीनियर सर सिटी सर और जो वरिष्ठ अधिकारी हो उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि आप कंप्लेंट दीजिए, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। उस अनुसार अभी आज एक कंप्लेंट आई है, उसका काम चालू है। इसके लिए क्राइम ब्रांच में एक खिड़की योजना मदर ने सर ने खोला है और वहाँ कंप्लेंट देने के लिए कल की मीटिंग में ही लोगों को बोल दिया गया है। उस अनुसार अभी क्राइम ऑफिस में कंप्लेंट दे रहे हैं। एक और अवैध धंधा करने वालों का बोलबाला है, तो वही दूसरी ओर पुलिस प्रशासन अच्छा कामकाज करते हुए उस पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। सक्करदरा थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मेरे BCN न्यूज नागपुर।